हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ मैं और बता दूं कि देखिए, जो IGKU का पेपर है ना, IGKU के पेपर में जो मैंने आपको 10 चैप्टर नहीं पढ़ा है क्वान्टिटी एप्टीट्यूड, उसमें दिक्कत क्या है कि मोबाइल स्क्रीन पर जब पेन से लिखता हूँ तो मैथ के क्वेश्चन आपको इस पर लिखने मिलते हैं और समझा नहीं मिलते, ठीक है। पेन चलता भी नहीं है इस पर, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हैंड राइटिंग भी इसकी वजह से गड़बड़ है। और साथ ही साथ कई लोग पूछते हैं कि आप उस पैसे का करते क्या है जो हम आपको भेजते हैं। तो जो भी पैसे आप मुझे QR कोड पे या गूगल पे आप मुझे भेजते हैं ना, उनसे मैं ये बुक्स ख़रीदता हूँ और इसी बुक्स को आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है? ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन इन एनिमल, तो यह है सेल्फ टेस्ट नंबर 4, सेल्फ टेस्ट 4, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जब द प्रोसेस बाई विच लिविंग बींग्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस, यानी कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं जब वो अपने बच्चों को पैदा करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाई विच न्यू लिविंग बींग्स कैन बी प्रोड्यूस, और इससे क्या होता है कि नए बच्चों का जन्म होता है, ठीक है, उनके पेरेंट्स के द्वारा। एनिमल प्रोड्यूस सो दैट द लाइफ ऑन अर्थ कैन कंटिन्यू। और देखिए, अगर एनिमल रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो जो अर्थ की लाइफ है, ठीक है ना, लिविंग बींग्स की, वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी। एनिमल कैन बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन हाउ दे रिप्रोड्यूस, तो एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया है कि वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, ऑल एनिमल्स ग्रो इन टू एडल्ट, जितने भी एनिमल हैं वो अब एडल्ट में ग्रो होते हैं। द सिक्वेंशियल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट दैट अकर इन अ लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग फ्रॉम एग और यंग वन टू मेच्योर एडल्ट एंड टर्म इज लाइफ साइकिल ऑफ दैट एनिमल। देखिए इसका मतलब क्या है, सिक्वेंस का मतलब होता है कि एक स्टेप के बाद एक स्टेप पे डेवलपमेंट आपका होता है लाइफ का, ठीक है। जैसे कि अंडा है, अंडे से किस तरीके से लाइफ का होना, एडल्ट होना, या फिर कोई बच्चा पैदा होना, उसका मेच्योर होना, एडल्ट होना, ये सब किस में आता है? लाइफ साइकिल में आता है। अब देखिए, एनिमल हैं जैसे कि अंडे देने वाले कौन कौन से हैं, एग हैं, स्नेक, तो इनकी भी अलग अलग लाइफ साइकिल होती है, किस तरीके से चलते हैं वो सब अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिर है बर्थ गिविंग, जैसे कि लायन हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, मैन हो गया, ठीक है ना, तो इन लोग के बारे में भी हम पढ़ेंगे किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। अब देखिए, एग लेंगे जो अंडे देते हैं, तो बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट, फ्रॉग आर सम ऑफ द एनिमल दैट ले एग्स, यानी कि ऐसे कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि बर्ड्स हो गई, फिश हो गई, इंसेक्ट हो गया, स्नैक हो गया, फ्रॉग हो गया, ये सब क्या हैं? ये सब अंडे देने वाले जानवर हैं। हेंस दे आर कॉल्ड एज एग लेइंग एनिमल, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? अंडे देने वाले जानवर कहते हैं, ठीक है। बर्ड्स, अब बर्ड्स के पे आते हैं। मोस्ट बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ऑन ट्री टू लेग एग्स एंड रेज देयर बेबीज, और देखिए क्या होता है कि बहुत सारी बर्ड्स अपने घोंसले को बनाती हैं कहाँ पे? ट्रीज़ पे बनाती हैं, और अंडे देती हैं वहाँ पे, और साथ ही साथ उससे अपने बेबी को क्या करती हैं? धीरे धीरे बड़ा करती हैं। जब वो अंडे देती हैं तो उनकी मदर जो हैं वो अंडे को क्या करती हैं? उसके ऊपर बैठती हैं, ठीक है ना, अंडे को शेना कहते हैं हिंदी में, और वो उसके ऊपर बैठती हैं और उस अंडे को क्या करती हैं? गर्म करती हैं, ठीक है ना। गर्म होने की वजह से उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनक्यूबेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनक्यूबेशन कहते हैं, ठीक है ना। अंडे को शेना को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इनक्यूबेशन कहते हैं। When the baby, उसके बाद क्या, when baby bird develop fully, तो जब जो बेबी है पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो वो क्या करता है? अंडे के सेल को ब्रेक करता है और उससे बाहर आ जाता है, और जब अंडे से वो बाहर आता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हैचिंग कहते हैं। अभी मैं ये सब समझाऊंगा, पहले इसको समझा लूँ उसके बाद समझाता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे लिखा है द बेबी ग्रोज इन टू एडल्ट, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, द पेरेंट बर्ड फीड एंड प्रोटेक्ट द यंग वंस अनटिल दे लुक आफ्टर देमसेल्फ, और तब तक उनके जो पेरेंट बर्ड होते हैं यानी कि जो चिड़िया होती है वो अपने बच्चों का तब तक ख्याल रखती है, उनका फीड करती है, मतलब उनको खाना भी खिलाती है जब तक कि वो बड़े नहीं हो जाते। अब देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कोई हैन है यानी कि कोई मुर्गी है, मुर्गी क्या करती है? अंडा देती है। जब अंडा ये दे देती है तो अंडे के ऊपर ये बैठ के क्या करती है, ठीक है ना, उसको सेती है, तो उसी प्रोसेस को हम इंक्यूबेशन कहते हैं। और जब इंक्यूबेशन का काम पूरा हो जाता है तो ये जो बेबी होता है ये इसको अंडे को तोड़ के क्या होता है? बाहर निकल जाता है, और जब ये अंडे को बाहर निकल के आ जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हैचिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, अब ये समझते हैं। एन एग ऑफ हैन इज़ ओवल इन शेप, तो एग क्या होता है? ओवल शेप का होता है। इसे इसके ऊपर जो बाहर थिन प्रोटेक्टिव कवर लगी होती है वाइट कलर की, ये क्या होती है? इसे एक्सेल के नाम से जानते हैं। और इसका बना किसका होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का ये बना होता है। और इसके अंदर एक स्पेस होता है यहाँ पे, ठीक है ना, एयर स्पेस होता है,
ठीक है ना, ब्रॉड एंड पे, यानी कि जो बड़ा वाला एंड होता है इसका, ठीक है, चौड़ा वाला थोड़ा सा एंड होता है, वहाँ पे इसका एयर स्पेस होता है। ठीक है, समझ में आ गया। द एयर स्पेस ग्रो लार्जर एज एन एग एजेस। तो देखिए, जो एयर स्पेस है वो बड़ा होता जाता है जैसे जैसे अंडा पुराना होता जाता है। अब यहाँ पे आते हैं, एन एग हैज़ द वाइट जेली सबस्टेंस। आपने अंडा खाया होगा तो ये जो वाइट कलर का होता है, ठीक है ना, इसमें जो एक प्रोटीन होता है उसे हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन। क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है। और ये जो येलो कलर का होता है, ठीक है ना, ये एम्ब्रियो, इसे योल्क कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या आपका यूज़ ये होता है, फैट होता है, ठीक है। अभी ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम। तो देखिए, जो वाइड लाइक जेली स्ट्रक्चर होता है उसे एल्ब्यूमिन कहते हैं, और उसमें होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और ये क्या करता है, ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि ये एम्ब्रियो है, ठीक है ना, एम्ब्रियो से ही नए बच्चे का जन्म होता है। तो ये किसे प्रोटेक्ट करता है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। द येलो इनर पार्ट ऑफ यग, तो ये जो येलो वाला पार्ट है यहाँ पे, ये आपका क्या है, इसे हम योल्क के नाम से जानते हैं। योल्क प्रोवाइड फूड फॉर द गिविंग बेबीज और एम्ब्रियो। तो ये जो योल्क है, अगर कोई बेबी इसमें पनप रहा है तो ये इसको क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। द एम्ब्रियो डेवलप्स इंटू चिक, तो एम्ब्रियो ही किस में चेंज होता है बाद में, चिक यानी कि हैन के बच्चा जो होता है, चिक हैन का जो बच्चा होता है उसमें ये चेंज होता है, ठीक है। एल्ब्यूमिन इज रिच इन वाटर एंड प्रोटीन्स। तो देखिए, एल्ब्यूमिन जो होता है इसमें पानी होता है, ये जो वाइट कलर का है, और इसमें क्या होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी होता है, ठीक है। और जो योल्क होता है, ये येलो कलर वाला होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, आपके फैट्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब फिश के बारे में पढ़ेंगे। फिश जो होती है वो थाउजेंड्स एग एक ही बार में देती है। अब इनके जो एग होते हैं, फिश एग डू नॉट हैव शेल, और इनके जो एग होते हैं उनके ऊपर कोई शेल नहीं होता है। जैसे मुर्गी का अंडा था तो उस पर शेल था, लेकिन इनके पे शेल नहीं होता है। इनमें एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है बाहर से अंडे को, जो वो प्रोटेक्ट करता है पानी से, ठीक है। लेकिन इनमें से कुछ ही एग ऐसे होते हैं जो मतलब कि मछली बन पाते हैं, मछली के बच्चे बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो एडल्ट फिश होती हैं वो क्या करती हैं, इनके अंडों को क्या करती हैं, ये खा लेती हैं, यानी कि जो प्रेडेटर्स होते हैं वो अंडे को खा लेते हैं, ठीक है। और देखिए, जो मछली का बच्चा होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्राई कहते हैं, ठीक है ना। और आपको पता है कि फ़िश फ्राई, तो ऐसे ही आप याद रखिए कि फ़िश के बच्चे को फ्राई कहते हैं, ठीक है। कभी कभी ये भी चीज़ें पूछी जाती हैं पेपर में, तो आपको समझ में आ गया। ये मछली है, एडल्ट मछली है, इसने अंडे दिए, अंडे से ये क्या बना, फ्राई बना, यानी कि मछली का बच्चा बना। रेप्टाइल, रेप्टाइल क्या होते हैं, देखिए रेप्टाइल उन्हें कहते हैं जो रेंग के चलते हैं। तो इसमें लिजार्ड, स्नेक, टर्टल, ये सब क्या देते हैं, ये सब भी आपके अंडे ही देते हैं। रेप्टाइल एक शेल आर लाइक थिक लेदर, तो जो रेप्टाइल्स के अंडे होते हैं वो थोड़े से, जो आउटर कवर होता है इनका, ये थोड़े से थिक होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है। सो दैट दे डू नॉट ब्रेक ईजिली, और ये जल्दी ब्रेक नहीं होते हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल, टॉर्टाइस के अंडे। ले एक सैलो पिट्स नियर द रिवर बैंक, और ये जो रिवर बैंक होता है उसके साइड में कुछ गड्ढे बनाते हैं, और उस गड्ढे के अंदर क्या करते हैं, थोड़ा सा गुफा टाइप का बनाते हैं, और यहाँ पे अंडे देते हैं, और फिर इसके ऊपर क्या रख देते हैं, ये मिट्टी डाल देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे आते हैं फ्रॉग, फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, फ्रॉग ले इन द लार्ज क्लस्टर कॉल्ड स्पॉन्स इन वाटर। तो देखिए, जो फ्रॉग होते हैं वो भी अंडे लार्ज अमाउंट में देते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, स्पॉन्स कहते हैं। ईच एग सराउंडेड बाई जेली लाइक सबस्टेंस, जैसे मछली का अंडा था, ठीक है ना, जैसे ये अंडा है, देखिए ये अंडा है ना, इसके बीच में देखिए वाइट कलर का लगा हुआ है ना ऐसा, तो ये आपका क्या है, ये आपका जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं, तो इनका जो अंडा होता है वो जेली लाइक जो सबस्टेंस होता है वो उनको प्रोटेक्ट करता है, किससे, प्रीडेटर से, यानी कि जो इनके अंडों को खा लेते हैं उनसे ये बचाव करता है। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, बेबी फ्रॉग हैच आउट, तो बेबी जो फ्रॉग होता है वो इससे बाहर निकलता है, इस अंडे से, और मेंढक के बच्चे को हम कहते हैं टैडपोल। द टैडपोल लुक लाइक द लिटिल फिश, और टैडपोल जो होता है वो लिटिल फिश के जैसा दिखता है जो पानी में रहता है। और जो टैडपोल होता है, टैडपोल्स अपने गिल्स से सांस लेता है। इट हैज़ द टेल एंड स्टार्ट ग्रोइंग लेग्स, और इसके जो टेल होते हैं, फिर उसके बाद इसके पैर जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, बड़े होने शुरू होते हैं। द लेग ग्रो लॉन्गर एंड टेल ग्रो शॉर्टर, तो इनका जो लेग होता है वो जल्दी से बड़ा होता है, लेकिन जो इनकी पूँछ होती है वो धीरे धीरे बड़ी होती है, ठीक है ना, मतलब कि उनकी जो पूँछ होती है वो छोटी होती है, ठीक है। द यंग फ्रॉग बिगिंस टू लुक लाइक इट्स पेरेंट्स नाउ, तो जो यंग फ्रॉग होता है वो अब अपने पेरेंट के जैसा दिखने लगता है, ठीक है। एडल्ट फ्रॉग लूज इट्स टेल, तो एडल्ट फ्रॉग जो होते हैं वो अपनी जो
पूंछ होती है उसे ये लोग त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, और ज़मीन पे रहने लगते हैं। इट नाउ ब्रीथ्स थ्रू द लंग्स एंड स्किन। और जो देखिए जब एडल्ट हो जाता है ना फ्रॉग, तो ये सांस पहले कैसे लेते, जब बच्चा था तो ये सांस कैसे लेता था, अपने गिल्स से, जैसे आपकी मछलियाँ सांस लेती हैं। लेकिन जब ये बड़ा हो जाता है तो ये अपने स्किन से सांस लेता है और अपने लंग्स से सांस लेता है, कहाँ पे, ज़मीन पे, ठीक है। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म चेंज अ लॉट ऑफ यंग टू एडल्ट स्टेज द प्रोसेस कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म। तो देखिए जब कोई भी ऑर्गेनिज्म्स होता है, ठीक है, वो अपने यंग वन से एडल्ट स्टेज में पहुंचता है, तो एक प्रोसेस से पहुंचता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फिज्म। क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिज्म। अब यहाँ पे देखिए जैसे एडल्ट फ्रॉग है, अब एडल्ट फ्रॉग ने क्या किया, क्लस्टर में अंडे, क्लस्टर का मतलब होता है इकट्ठा अंडे दिए इसने इतने सारे, ठीक है। अब दिस सिंगल एग के बारे में देखिए, यहाँ से एक अंडे हमने निकाले, इस तरीके से अंडा दिखेगा, इससे ये अंडा जब फूटेगा तो क्या बनेगा, टैडपोल। क्या बनेगा, टैडपोल। अब टैडपोल किस में ग्रो होगा, देखिए टैडपोल ग्रो विथ लेग्स, तो यहाँ पे देखिए इसके लेग हैं, है ना, और यहाँ पे इसकी टेल भी है। अब टैडपोल होता क्या है कि जैसे ही जब ये थोड़ा सा बड़ा होता है एडल्ट कंडीशन में और पहुँचता है, तो इसकी पूँछ क्या होती है, लूज़ हो जाती है, यानी कि ये अपनी पूँछ को छोड़ देता है, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या बन जाता है, एडल्ट फ्रॉग बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब डिफरेंस बताना है टैडपोल और एडल्ट फ्रॉग में। तो टैडपोल देखिए बच्चे को कहते हैं, एडल्ट फ्रॉग कैसे किसे कहते हैं, आपका जब मेंढक बड़ा हो जाता है तो ये फिश के जैसा दिखता है, पानी में रहता है, बिल्कुल ठीक है। और ये एम्फीबियस होता है, एम्फीबियस का मतलब होता है कि जब फ्रॉग बड़ा हो जाता है तो पानी में नहीं, वो ज़मीन और पानी दोनों में रहता है, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। तो एम्फीबियस का मतलब ये होता है कि लैंड और वाटर दोनों में रहता है, और इसकी टेल होती है टैडपोल की, लेकिन एडल्ट फ्रॉग की टेल नहीं होती है। इट ब्रीथ थ्रू गिल्स, टैडपोल आपके गिल्स से सांस लेते हैं, लेकिन जो एडल्ट फ्रॉग होते हैं वो अपने स्किन और लंग से सांस लेते हैं। अब इंसेक्ट पे आ जाते हैं, इंसेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टेज लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट आर द टू टाइप्स, ठीक है। तो देखिए जो आपके इंसेक्ट होते हैं, इनकी जो लाइफ होती है वो दो स्टेज में चलती है, थ्री स्टेज लाइफ एंड फोर स्टेज लाइफ, ठीक। जैसे ग्रास होपर और कॉकरोच हो गए, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो थ्री स्टेज की होती है, यानी कि ग्रास होपर और कॉकरोच की जो लाइफ साइकिल होती है वो थ्री स्टेज की होती है। ए फीमेल कॉकरोच ले मेनी एग्स, तो जो फीमेल कॉकरोच होते हैं बहुत सारे अंडे आपके देते हैं। ए बेबी क्रॉक हैचेस आउट, और बेबी कॉकरोच जो होता है वो अंडों से बाहर निकलता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, निम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निम्फ बोलते हैं, ठीक है ना। ए निम्फ लुक्स सिमिलर टू द एडल्ट, और जो निम्फ होता है वो एडल्ट के जैसा, मतलब कि बड़े कॉकरोच के जैसा ही लगता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जब ये निम्फ होता है तो निम्फ के पास तब उस टाइम क्या होते हैं, पंख नहीं होते। क्या होते हैं, पंख नहीं होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ये धीरे धीरे बड़ा होता है तो ये अपने ओल्ड स्किन को छोड़ता है और नई स्किन्स इसके पास आती हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द ओल्ड स्किन टू गेटिंग न्यू वंस इज कॉल्ड माउल्टिंग। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब कॉकरोच अपनी पुरानी स्किन को छोड़ता है, नई स्क्रीन में आता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या है, माउल्टिंग, यानी कि पुरानी स्क्रीन से नई स्किन में आना क्या कहलाता है, माउल्टिंग कहलाता है। आफ्टर मेनी माउल्टिंग ए निम्फ बिकम्स एडल्ट, तो कई बार इसकी जो आपकी बॉडी होती है, स्किन होती है, वो कई बार टूटती है, कई बार इसको नए बॉडी स्किन मिलती है, तब ये जाके क्या बनता है, एक एडल्ट बनता है, ठीक है। जैसे देखिए, अच्छा एक चीज़ और आपको बता दे रहा हूँ, जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो आपका वाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखिए ये आपका कॉकरोच है, कॉकरोच यहाँ पे अंडे देता है यहाँ पे, ठीक है। तो अंडे जब टूटते हैं तो टूटने के बाद ये क्या बनता है, निम्फ बनता है, और निम्फ के पास देखिए अभी पंख नहीं है, तो इसकी बॉडी की स्किन कई बार टूटेगी, ठीक है, नई स्किन आएगी, और ये तो फिर उसके बाद में क्या बनेगा, एडल्ट बनेगा, यानी कि कॉकरोच बनेगा, ठीक है। चलिए, ए निम्फ मोल्ड 13 टाइम्स टू बिकम एन एडल्ट कॉकरोच, ठीक है ना। तो जो निम्फ होता है वो लगभग 13 बार अपने स्किन को चेंज करता है, ठीक है ना, एडल्ट बनने के लिए। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन निम्फ एंड एडल्ट क्रॉक। तो एडल्ट कॉकरोच और निम्फ के बारे में पढ़ेंगे। तो निम्फ की साइज जो होती है वो स्मॉल होती है, छोटी होती है, और एडल्ट कॉकरोच की जो साइज होती है बड़ी होती है। निम्फ के पास विंग्स नहीं होते, और एडल्ट कॉकरोच के पास क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। बटरफ्लाई मोथ एंड हाउस फ्लाई हैव फोर स्टेजेस इन देयर लाइफ। तो जो वैसे बटरफ्लाई हो गया, मोथ हो गया,
ठीक है ना, हाउस फ्लाई हो गए, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है 4 स्टेज की होती है। कितनी होती है? 4 स्टेज की। अभी जब हमने कॉकरोच का पढ़ा था तो उसकी लाइफ साइकिल 3 स्टेज की थी। बटरफ्लाई ले देयर एग्स ऑन द लीव्स, और जो बटरफ्लाई हैं वो अपने अंडे कहाँ पे देती हैं, वो अपने अंडे आपकी पत्तियों पे देती हैं, ठीक है ना। यंग वंस को हम क्या बोलते हैं? लार्वा बोलते हैं। और इस लार्वा से जब अंडे फूट के बाहर निकलते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कैटरपिलर। और कैटरपिलर क्या करते हैं? कैटरपिलर जो होती हैं पत्तियाँ और लीव्स उन्हीं को खाते हैं और उन्हीं पर वो ग्रो करते हैं। कैटरपिलर फिर बाद में क्या बनाते हैं? कोकून बनाते हैं, और उसी केस के अराउंड क्या होते हैं? अपने आप को घेर लेते हैं। मतलब कि यहाँ पे अगर ये कोकून बनाएगा तो उसी के अंदर ये रहेगा। एट दिस स्टेज, इस स्टेज में क्या होता है? द यंग वंस इज कॉल्ड प्यूपा। तो यंग वंस को हम क्या बोलते हैं? प्यूपा बोलते हैं। दैट स्टॉप फीडिंग, और ये फिर उस टाइम प्यूपा के टाइम पे क्या होता है? खाना बंद कर देता है। द कैटरपिलर कीप चेंजिंग इनसाइड द कोकून, और जब कैटरपिलर है वो धीरे धीरे अंदर कोकून के क्या होता है? चेंज होता रहता है। और प्यूपा बाद में किसमें चेंज हो जाता है? एक बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है। इट कम्स आउट ऑफ द कोकून, और ये जब कोकून से बाहर आता है तो ये पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। अब आपको बताता हूँ कैसे। देखिए ये बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई अंडे दिया इस पर, ठीक है ना। अच्छा देखिए, ये मेलबेरी प्लांट्स पे भी रहते हैं, सहतूत के पेड़ पे रहते हैं, ठीक है। फिर ये अंडे देगा, अंडे से जब ये बाहर आएगा तो इसे हम बोलते हैं कैटरपिलर। और कैटरपिलर फिर यहाँ पे जाएगा, कोकून बनाएगा, कोकून के अंदर ही अपने आप को बंद कर लेता है, प्यूपा बन जाता है। प्यूपा से जब ये बाहर निकलता है तो क्या बन जाता है? बटरफ्लाई बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, जैसे हाउस फ्लाई है, ठीक है। तो हाउस फ्लाई, एडल्ट हाउस फ्लाई क्या करेगी? अंडे देगी, ठीक है ना। यहाँ पे अंडे देगी, अंडे से ये क्या बनते हैं? लार्वा। लार्वा को हम कहते हैं क्या है? मैगट। यानी कि हाउस फ्लाई के बच्चे को क्या कहते हैं? मैगट बोलते हैं, ठीक है। मैगट के बाद ये किस में बनेगा? फिर से ये भी प्यूपा बनाता है, ठीक है। प्यूपा इस तरीके से बनाएगा, उसके बाद जब इससे बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा? एडल्ट हाउस फ्लाई बन जाएगा, ठीक है। तो लाइफ साइकिल इनकी देखिए 4 स्टेज में चल रही है, ठीक है ना। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है ना। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। 4 स्टेज में इनकी लाइफ चल रही है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं बर्थ गिविंग एनिमल, जो बच्चों को जन्म देते हैं। देखिए, सम एनिमल डू नॉट हैव लेग्स, कुछ ऐसे एनिमल हैं जो अंडे नहीं देते। दे गिव बर्थ टू यंग वंस, ये सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, और ये जो मदर का मिल्क होता है उसी पे ये फीड करते हैं, यानी कि उसी पे ये जिंदा रहते हैं, ठीक है, कुछ टाइम तक। उसके बाद है सच एनिमल्स आर कॉल्ड मैमल्स, तो ऐसे जानवर को हम क्या बोलते हैं? मैमल बोलते हैं, ठीक है, यानी कि दूध पिलाने वाले जानवर, ठीक है। फिर है टाइगर, लायन, बैट, डॉग, कैट, ETC, तो इसमें ये सब आते हैं मैमल। मैमल टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस लाइक फीडिंग देम, और देखिए जो मैमल्स होते हैं वो अपने बच्चों की केयर कैसे करते हैं? फीडिंग, उनको खाना खिलाते हैं, उनको साफ़ सुथरा रखते हैं, उनको सेफ रखते हैं, ठीक है ना, और साथ ही साथ उन्हें इंडिपेंडेंट भी बनाते हैं। अब देखिए मार्सुपियल्स किसे कहते हैं? ऐसे मैमल जिनके जिनके बॉडी में, जिनके पेट में पाउच होता है, जिनमें वो अपने बच्चे को कैरी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। तो ऐसे जानवर जिनके पेट में आपके क्या होता है, जैसे देखिए इसके पेट में क्या है? एक पाउच है, इसमें अपने बच्चे को रख लेती है कंगारू। और ऐसे जानवर जो जिनके पास आपका ये पाउच होता है उन्हें हम क्या क्या बोलते हैं? मार्सुपियल्स एनिमल। बेबी कंगारू स्टे इन द मदर पाउच, तो बेबी कंगारू क्या है? देखिए अपने मदर के पाउच में है। वेयर इट ड्रिंक्स द मदर मिल्क, और जहाँ पे ये अब क्या करता है? मदर के मिल्क को पीता है। सम प्रिमिटिव मैमल्स ले एग्स एंड देन सकल देयर यंग वंस व्हेन दे हैच आउट डक बिल्ड प्ले। देखिए कुछ ऐसे मैमल हैं, ठीक है ना, अभी हमने पढ़ा था कि मैमल होते बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन एक ऐसा मैमल है जो क्या करता है? मैमल तो है वो अपने बच्चे को दूध तो पिलाता है, लेकिन साथ ही साथ वो अंडे देता है, ठीक है। तो उसका नाम है डक बिल्ड प्लेटिपस, ठीक है। जैसे कि जो अभी जो भी जानवर अंडे देते हैं वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं, ठीक है, और जो बच्चों को जन्म देते हैं वो बच्चों को दूध पिलाते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद है, अपवाद ये है कि जो डक बिल्ड प्लेटिपस है ये भी आपका मैमल है, लेकिन ये क्या करता है? ये अंडे देता है, ठीक है। जैसे मदर हो गया, मदर की बेबी हो गई, टाइगर एंड कब, टाइगर के बच्चे को कब कहते हैं, डॉग एंड पप्स, ठीक है, कंगारू, कंगारू के बच्चे को जोई बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सभी क्या करते हैं? अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। अब यहाँ पे आते हैं फूड चैन, फूड वेब, एनर्जी फ्लो। ए फूड चैन कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पॉपुलेशन रिलेटेड बाय ईटिंग एंड बीइंग देम, इट इज़ ऑलवेज स्ट्रेट इन नेटवर्क और इंटरकनेक्टेड, फूड इज कॉल्ड फूड वेब, ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि एक सीरीज़ होता है पॉपुलेशन का, जो एक जानवर को दूसरे जानवर को खाते हैं, फिर ये प्रोसेस आगे इस तरीके से चलता जाता है, और ये जो नेटवर्क होता है वो सभी से इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं फूड वेब, ठीक है। मकड़ी का जाला आपने देखा ना, अभी इसको समझाऊंगा अच्छे से। एनर्जी ऑफ फूड चेन कम फ्रॉम द सन, देखिए जितनी भी एनर्जी इस धरती इस अर्थ पे है वो किसकी वजह से है? सिर्फ और सिर्फ सन की वजह से है। अगर सन नहीं होगा तो इस धरती पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सारी चीज़ें जितनी भी एनर्जी है सब कुछ चेंज हो रहा है आपका, कहाँ से?
सन से, सारी एनर्जी कहाँ से मिली है, सन से, ठीक है। देयरफॉर सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। देखिए कैसे, अब इसको समझा देते हैं। देखिए सन है, सन से अगर लाइट आती है तभी प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन मिलता है, और ऑक्सीजन मिलता है तो हम लोग जिंदा हैं। अगर सन नहीं आएगा तो ना तो कोई प्लांट ग्रो होगा और ना इस धरती पे कुछ रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, द फ्लो ऑफ एनर्जी फूड चेन द वेव इज़ इन वन डायरेक्शन। तो देखिए एनर्जी जो होती है फूड वेब में वो हमेशा, या फूड चेन में, तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलती है, ठीक है ना, ये कभी रिवर्स नहीं चलती। और ये हमेशा 10% एनर्जी का लॉस होता है, 10% ही एनर्जी दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे आपकी ट्रांसफ़र होती है। तो इस रूल को जिसने दिया था उनका क्या नाम था, लिंडमान, ठीक है। लिंडमान के बारे में भी आपको फ़िलहाल पढ़ना नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, देखिए जैसे कि प्लांट है हर्बीवोरस कार्निवोरस, प्लांट को कौन खाता है, हर्बीवोरस, और हर्बीवोरस को कौन खाता है, कार्निवोरस। तो देखिए चैन बनाना, ये चैन बनाना, फूड चैन बना, इट कैन फ्लो, इट कैन नॉट फ्लो रिवर्स डायरेक्शन। तो देखिए कभी भी जो एनर्जी है वो रिवर्स डायरेक्शन में आपका नहीं जाती है, ठीक है, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगी। फिर जैसे आपका प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर आर द ऑर्गेनिज्म दैट मेक ओन फूड, प्रोड्यूसर क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसर आर प्लांट, तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन एग्जाम्पल है प्रोड्यूसर्स के वो कौन हैं, प्लांट्स हैं। कंज्यूमर्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट गेट देयर फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो देखिए जो कंज्यूमर होते हैं वो अपना खाना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे इनको मिलता है, प्रोड्यूसर से ही मिलता है। अब जैसे हो गया प्राइमरी कंज्यूमर्स, तो प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं वो डायरेक्टली फीड करते हैं आपके किस पे, प्रोड्यूसर्स पे, जैसे कि हर्बीवोरस। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर किस पे आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर पे आते हैं, जैसे कि कार्निवोरस, ठीक है। अब टर्शियरी कंज्यूमर क्या होते हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, और सो ऑन, इस तरीके से ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। देखिए जैसे ही आपका प्लांट क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है, हर्बीवोरस क्या हो गया, कंज्यूमर हो गए, ठीक है, ठीक है ना। और इन्हें हम प्लांट आपका क्या हो गया, पहला ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर, और कार्निवोरस आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। ये इनको कंज्यूम कर रहा है और ये इनको कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चेंजेस इन वन पॉपुलेशन ऑफ द फूड चेन, देखिए एक भी फूड चेन में अगर कोई दिक्कत होती है, उनकी पॉपुलेशन घटती है, तो वो पूरे के पूरे फूड चेन पे उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि इफ़ द नंबर ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर रिड्यूस, सेकेंडरी कंज्यूमर, अभी इसको समझाता हूँ कैसे होगा, ये सेकेंडरी कंज्यूमर अगर रिड्यूस हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर जो है उनकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी इसको समझाता हूँ अच्छे से, फिर देखिए एंड द सब्सिक्वेंट डिक्रीज इन पॉपुलेशन, हायर द नंबर ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर विल ईट मोर प्रोड्यूसर्स। अब देखिए अब इसको समझिए किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जैसे खूब अच्छे से समझिए, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे है प्लांट, प्लांट में मान लीजिए यहाँ पे है ग्रास, ठीक है। इसके बाद ग्रास को कौन खाएगा, डियर, डियर खाएगा, और डियर को कौन खाता है, लायन खाता है या टाइगर खाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ इसको, ध्यान से समझिए। देखिए प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर, अगर मान लीजिए डियर की संख्या कम हो जाती है, तो डियर की संख्या अगर कम हो जाएगी, ठीक है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो प्लांट हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। और जो लायन है, लायन को क्या मिलेगा, लायन को तो खाना मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब इससे दिक्कत क्या होगा कि जब बहुत ज़्यादा डियर हो जाएंगे, अच्छा मैं क्या बता रहा था, एक मिनट फिर से सुनिए। देखिए डियर है, डियर के बाद, सॉरी यार, देखिए यहाँ पे है ग्रास, ग्रास यहाँ पे है डियर, और यहाँ पे है लायन, ठीक है, ध्यान से समझिए। देखिए प्राइमरी, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए डियर है, डियर की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो जो प्लांट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ग्रास कम हो जाएगी, और डियर को खाना मिलेगा नहीं, ठीक है। तो दिक्कत होगी, डियर की संख्या क्या होगी, धीरे धीरे घटने लगेगी, डियर मरने लगेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए, अभी तो हमने ये देखा, अब मान लीजिए अगर आपके लायन की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, मान लीजिए लायन ज़्यादा बढ़ गए, तो लायन अगर ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो डियर को क्या हो जाएगा, ये डियर को खाने लगेंगे, ठीक है। अब जब डियर को खाने लगेंगे तो डियर की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब अगर डियर की संख्या कम हो जाएगी तो जो ग्रास की संख्या वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हर चीज़ का बैलेंस होना इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, फूड चेन पे इफेक्ट पड़ता है, यही चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे आते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे ग्रास है, ग्रास को कौन खाएगा, प्रोड्यूसर है, ठीक है, इसको समझिए, प्रोड्यूसर है ये, ठीक है, ये प्रोड्यूस कर रहा है। फिर इसके बाद इसको कौन खाएगा, ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर क्या होता है, हर्बीवोरस होता है, यानी कि जो घास फूस खाता है। अब
ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा, और स्नेक को कौन खाएगा, हॉक खाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रोड्यूसर के बाद पहला शुरू होता है, यानी कि प्रोड्यूसर को जो खाता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, और प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाता है उसे कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर का जो खाता है उसे कहते हैं टर्शरी, और टर्शरी कंज्यूमर को जो खाता है उसे कहते हैं क्वार्टरनरी कंज्यूमर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जैसे देख लीजिए रैट है, तो रैट को कौन खाएगा, पायथन, और पायथन को कौन खा सकता है, ईगल। अब यहाँ पर देखिए ये फूड वेब है, देखिए एकदम जाल की तरह इस तरीके से है। ठीक है, तो इसको समझेंगे, रैट को कौन खाएगा, पायथन, और पायथन को कौन खाएगा, ईगल। उसके बाद देखिए रैट को डायरेक्ट कौन खा सकता है, ईगल भी खा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उल्फ, रैट उल्फ किसे खाएगा, रैट को खा लेगा। ठीक है, और उल्फ को कभी कभी ईगल भी खा लेता है। अब देखिए फ्रॉग है, फ्रॉग को कौन खाएगा, पायथन भी खाता है। तो देखिए जाले की तरह ही बन जा रहा है। ठीक है ना, फिर एक ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर को कौन खाता है, रैट खाता है। ठीक है, यहाँ पे कॉर्न है, कॉर्न को पत्ती है, प्लांट है, तो इसे ग्रास ऊपर खाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट है, तो फ्लावरिंग प्लांट को बटरफ्लाई जाएगी, वहाँ पे नेक्टर सक करेगी, फिर बटरफ्लाई को फ्रॉग खा लेता है। ठीक है, फ्रॉग को ईगल खा लेता है। अब यहाँ पे देखिए, अब जो ड्रैगन फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई को कौन खाएगा, फ्रॉग खा लेगा। ये फ्रूट फ्लाई है, इसको भी फ्रॉग खा लेगा। ठीक है ना, अब जो ड्रैगन फ्लाई है इसको कौन खाएगा, थ्रस खाएगा। ठीक है ना, और थ्रस को कौन खाता है, ईगल खाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लेवेंडर्स है, यहाँ पे मैंगोज है, तो मैंगोज को कौन खाएगा, आपका फ्रूट फ्लाई खाएगा, और इसको ये थ्रस खाएगा। ठीक है, तो ये देखिए तरीके से जाल बना हुआ है एकदम, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। क्या बोलते हैं, फूड वेब। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि द एरो पॉइंट ईटर सोन इन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो जिस तरीके से ट्रांसफर एनर्जी, जैसे यहाँ पे ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर को फ्रॉग ने खाया, तो एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुई, ग्रास ऊपर से फ्रॉग की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर सेल्फ टेस्ट फोर पढ़ते हैं। सेल्फ टेस्ट फोर क्या है, ये आपका फोटो देख रखा है, ये फोटो क्या है, तो ये है भैया आपका प्यूपा का फोटो। ठीक है ना, बटरफ्लाई के प्यूपा का फोटो है। नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड, तो देखिए इंटरकनेक्टेड फूड चेन को हम क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा है जस्ट, तो उसे बोलते हैं फूड वेब। कॉकरोच की जो लाइफ होती है वो 3 स्टेज की होती है, और जो मौत होता है उसकी लाइफ साइकिल कितनी होती है, 4 स्टेज की होती है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आई स्विम इन वाटर, आई ले 1000 ऑफ एग्स, लैक ऑफ शेल, माई बेबी इज कॉल्ड फ्राई। तो फ्राई किसके बच्चे को कहते हैं, फिश के बच्चे को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, लेट सेलेक्ट द ऑप्शन दैट अनस्क्रम्बल द नेम ऑफ द हर्बीवोरस। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा बियर, बियर, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्पैरो, SPARRO, स्पैरो सेकेंड ऑप्शन, और ये हो जाएगा जेब्रा, JDBR जेब्रा, और यहाँ पे जयकाल। तो यहाँ पे क्या है कि हर्बीवोरस कौन है, तो ये आपका जेब्रा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्त यहाँ पे वीडियो खत्म होता है, इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप, ठीक है, मुझे पैसे सेंड करते हैं तो उनसे मैं बुक्स खरीदूंगा और आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए मैं आपको, ये है मेरा QR कोड, और इसे आप स्कैन करके जो भी पैसे सेंड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं है, अगर आपका मन करता है तो ही आप सेंड करिएगा, ठीक है, वरना मत सेंड करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और ये आप इसे फ़ोन से स्कैन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा ही नाम है सुधीर प्रजापति, आपको लिख के आएगा, और ये मेरे अकाउंट में पैसे डायरेक्ट आ जाते हैं। देखिए जितने भी लोगों ने अभी तक मुझे पैसे दिए थे मैंने उनका सबका नाम बोल दिया है, अब जो लोग नए देंगे फिर उनका नाम मैं वीडियो में बोलता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।